राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान की 199 सीटों पर चुनाव हो चुका है। मतदान के बाद अब रविवार को नतीजों की घोषणा होनी बाकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, जिसे इस बार कांग्रेस तोड़ सकती है। गुरुवार को प्रदेश चुनाव के 6 एग्जिट पोल सामने आए। इनमें से 3 में कांग्रेस बहुमत के आसपास नजर आई है। 2 एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि अशोक गहलोत फिर अपनी सरकार रिपीट कर सकते हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस, माय इंडिया एग्जिट पोल में कांग्रेस के खाते में 106 सीटों तक मिलने का अनुमान लगाया है। TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट एग्जिट पोल में कांग्रेस को 90 से 100 सीटों तक पहुंचने का संकेत दिया। पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस ने 99 पर सिमटने के बाद भी सरकार बना ली थी, तो इस बार भी उनके लिए चांस बनता है। वही एक्सिस माई इंडिया ने तो 106 सीटों तक कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। वही इंडिया टीवी CNX भी 94 से 104 सीटें कांग्रेस को मिलने की बात कह रहा है। इन तीनों एग्जिट पोल आंकड़ों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन दावों को हवा दे दी है, जिनमें वो रिवाज बदलने और सरकार रिपीट करने की बात करते रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में सभागवार प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को जनता के समर्थन के आंकड़े रखे हैं। इनमें शेखावाटी की 21 सीटों में से कांग्रेस को 12 पर जीत मिलना बताया गया है। साथ ही अहिरवाल यानी अलवर भरतपुर इलाके में भी 10 सीटों पर हाथ को बहुमत मिलने की बात कही गई है। डूडाड़ की 44 में से 26 सीटों पर कांग्रेस की जीत संभावित बताई गई है। इसी तरह जैसलमेर बीकानेर इलाके की 19 में से भी 11 सीटों पर कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलने का अनुमान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। इससे पहले गुरुवार को सभी 500 चुनावी राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल जारी हुए। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत मिलने के दावों पर भी इन एग्जिट पोल ने संदेह पैदा कर दिया है। अब देखना है कि 3 दिसंबर को जारी होने वाले नतीजों में कौन किस पर भारी पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।